आज एक ही बैटर से मैं दो तरीके के स्नैक्स आपको बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, और क्रिस्पी देखिए इनकी कितनी है। आप बाहर से ही देख के पता कर रहे होंगे किसकी कितने क्रिस्पीनेस, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये। मैं आपको एक बार दिखाती तोड़ के, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं आपको खा के भी बताती हूँ कि कैसे बना है ये। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल ले रखे हैं। चावल को मैंने भिगो के रखा था, और ये देख सकते हैं कि चावल जो है वो हमारे अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से टूट रहे हैं। अब साइड में मैंने यहाँ पे दो आलू ले रखे हैं। इनको मैंने अच्छे से साफ करके इनके छिलके निकाल के ले लिए हैं, और इनको मैंने बॉईल करके ले लिया था, ये ध्यान रखिए। अब मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा ले रखा है, और हरी मिर्च ले रखा है, और साइड में अब मैंने यहाँ पे धनिया ले रखा है। चावल को मैंने अब यहाँ पे अच्छे से धो के ले लिया था। अब मैं यहाँ पे इन्हें मिक्सी में डाल देती हूँ, और मैंने यहाँ पे टोटल 2 ग्लास चावल डाल दिए थे भिगो के रखने के लिए। मैंने यहाँ पे टोटल 2 ग्लास लिए थे चावल। आप अपने यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चावल है वो अपने मिक्सी में डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर आलू भी डाल देती हूँ काट के, छोटे छोटे पीसेस में इनको काट के ले लेंगे, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल देती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे इसके अंदर लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको स्किप कर रही हूँ, और इसके जगह पे मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ। अदरक को मैंने यहाँ पे अच्छे से बारीक पीसेस में काट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। चलिए अब मैंने पीस के ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आटा जो है मैंने वहाँ पे पीस के ले लिया है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कितनी है। यहाँ पे देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, मीडियम मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करके ले लेती हूँ। तो मैंने डाल के ले लिया है। अब मैं यहाँ पे चलिए कुछ मसाले डाल देती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच इसके अंदर जीरा डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मैं हल्दी डाल देती हूँ, चिली फ्लेक्स डाल दूँगी 1/2 टीस्पून, हींग डाल देंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा डाइजेशन करने के लिए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अजवाइन 1/2 टीस्पून। अब खूब सारी फ्रेश हरी धनिया डाल दूँगी मैं। अच्छे से इन्हें मिक्स करके ले लेंगे। तो मैंने इन्हें यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। ये देखिए, नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे वापस एक और बार अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके ले लिया है। थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। सोडा डालने से थोड़ा सा बैटर जो है वो हमारा फूल जाता है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर करी पत्ता डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे अब एक पन्नी ले रखी है, ये नॉर्मल पन्नी है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसको मैंने ना पानी से अच्छे से साफ करके ले लिया है। चलिए अब मैं इसके अंदर बैटर को फिल करके ले लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से फिल करना है। नीचे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्लास रखा है ताकि भरने में आसानी हो, और मैंने इसको फोल्ड करके ले लिया है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको चम्मच की हेल्प से जो बैटर है वो यहाँ पे पन्नी के अंदर डाल दूंगी। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से डालना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रेडी करके ले लिया है, और ऊपर मैंने यहाँ पे इसको रबर बैंड लगा के ले लिया है ताकि थोड़ा सा सिक्योर रहे। इसमें मैंने यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा काट के ले लूँगी, ज़्यादा। चलिए इसमें तेल को गिरा देते हैं।
ये देखिए कुछ इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और ये बहुत ही आसान है इसे बनाना, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहला बैच में यहाँ पे फ्राई करके ले रही हूँ। अगर आपके टेढ़े मेढ़े बनते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पे बैटर थोड़ा सा पतला हो जाता तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप सूजी भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रहा है। अच्छे से मैं इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करके ले लूँगी। हमारे यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और देखिए बहुत क्रिस्पी भी बने हैं, आप बाहर से ही देख के आपको लग रहा होगा। चलिए अब मैंने इनको फ्राई करके ले लिया है, अब बाकी भी मैं ऐसे ही फ्राई करके रेडी करके ले लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं थर्ड बैच भी फ्राई करके ले रही हूँ। ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। चलिए मैं एक और बैच ऐसे फ्राई करके ले लेती हूँ। अब मैं आप पे आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको वैसे नहीं बनाना आ रहा है और अगर आपको वैसे बनाने का मन भी नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप हाथ से कुछ इस तरीके से गोले बना के ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं ये। यहाँ पे देखिए ये भी कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसको भी मैं वैसे ही मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके ले लूँगी। यहाँ पे देखिए हमारे गोले जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल के ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी उतने ही क्रिस्पी बने हैं जितने पहले वाले हमारे बने थे। चलिए अब फटाफट से सर्व करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा टेस्टी चावल का इधर जो स्नैक है वो बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने एक ही बैटर से 2 तरीके के स्नैक मैंने यहाँ पे बना के ले लिए हैं। ये देखिए कुछ ये इस तरीके का और ये कुछ इस तरीके का, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है ये देख सकते हैं आप। ये देखिए आप चाहे तो इसे ट्रैवल करते तब आप इसको डब्बे में भर के लेके जा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भर के लेके जा सकते हैं। और जैसे बाहर कुरकुरे मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही घर में हमने इसको बना के रेडी किया हुआ है। आपको बाहर से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना टेस्टी और सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसी न्यू रेसिपी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए खाते रहे और मस्त रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।